गृहवधु हुई घरेलू हिंसा का शिकार, एक साल की बच्ची छोड़कर हुई दुनिया से अलविदा। परिवार वालों ने कुछ ऐसा ही आरोप लगाया है। पता चला है कि पिछले कई सालों से गृहवधु पर बार बार परिवार से दहेज मांगने को लेकर बातें सामने आ रही थी। इसी बीच गंभीर रूप से पिटाई के बाद महिला की हत्या कर दी गई है। कुछ ऐसा ही आरोप परिवारजन द्वारा लगाया जा रहा है। फिलहाल पूरा परिवार सदमे में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं अमर शाह आप सभी के साथ जुड़ा हूं और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम के सेक्शन परिसर में। आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि और महिला घरेलू हिंसा का शिकार हुई है और घरेलू बर्बरता के बाद उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने के बाद मेडिकल ले जाने के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। कुछ ऐसा ही जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। क्या कुछ उस परिवार का आरोप है जो गृहवधु है, उनके परिवार की तरफ से क्या कुछ बोलना है, इसकी पूरी जानकारी हम यहाँ पर लेते हैं। फिलहाल हमारे पास जो लड़की जो है कि जो गृहवधु का देहांत हुआ है, उनके जीजाजी से हमारी बात हो रही है। उनके परिवार वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं और क्या कुछ जानकारी वो देंगे हम जानते हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम अमित कुमार शाह है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जलपाईगुड़ी का रहने वाला हूँ। अच्छा, आज जो घटना को लेकर हम जुड़े हैं, जिस तरह की जो घटना सामने आई कि एक गृहवधु की आप लोगों का कहना है कि हत्या हुई है, तो क्या कुछ जानकारी देंगे मुझे बताइए। देखिए, पहली बात रहा जो वो मेरी साली है जी। और उनका शादी हुआ था असम, कौन सा जी? जी। और उनका शादी का लमसम 3 साल हो चुका है और पहले वाला उनका एक बच्चा भी हुआ था, आपका लड़का हुआ था। और उन लोग का जैसे कि मिसबिहेव, मानसिक मेंटली टॉर्चरिंग करते करते वो बच्चा को भी संभाल नहीं पाई, बच्चा का भी देहांत हो गया। फिर दूसरा बार उन लोग दहेज कुछ पैसा के भी डिमांड किए थे और तो हम लोग बोले ठीक है, हम लोग आपको ये पूरा करेंगे, आप पूरा करेंगे बोले थे। उसके बाद में वो तो पूरा तो हम लोग करेंगे, उसके बीचों बीच तो ये लड़की का देहांत हो गया। वो क्या डिमांड था? 3 लाख रुपये कैश दीजिए और गाड़ी दीजिए, मैंने एक्स्ट्रा सामान सब देते रहिए इन लोग। किस लिए, किस वजह के? अब मैंने अब उनका शौक पूरा करो और क्या, लड़की को देने के बाद में अब लड़की का हस्बैंड का शौक पूरा करो, उसके सास का शौक पूरा करो, ससुर का शौक पूरा करो, भाई का शौक पूरा करो। तो ये सब करने के लिए तो हम लोग लड़की नहीं दिए हैं। शादी के दौरान किस तरह की वादे हुई थी आप दोनों परिवारों के बीच? हाँ, आप वो शादी के दौरान वादे हुई थी, बात हुआ था जो चलो ठीक है, हम लोग नॉर्मली शादी में कुछ नहीं चाहिए, हम लोग नहीं चाहिए बोल के तो बहुत कुछ ले चुके अभी तक हम लोग से। 4 लाख रुपये के ऊपर सामान हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, हम लोग सोना भी बहुत रुपये का सोना दिया गया है। अब देखिए, उस लड़की का इन लोग बोल रहे थे हैंगिंग हुआ है, हम लोग तो देख रहे हैं जी उसका ना गला में दाग है ना कुछ भी है, हैंगिंग तो नहीं, उसका डॉक्टर का नाम क्या, उसका लंग्स डैमेज हो गया है। डॉक्टर कुछ भी अगर डॉक्टर हम लोग हम खुद गया था बात करने, डॉक्टर मेरे को बोल रहा है जे ये तो हैंगिंग केस नहीं है, इसका तो लंग्स डैमेज है, हाथ में इसका दाग है। क्या कारणों से, डॉक्टर ने कुछ बताया क्या कारणों से ऐसा हो सकता है? ये क्या कारण, मार धोर करने के चलते हुआ है, उसके साथ टॉर्चरिंग की है, मारी है, ससुर मारा है, देवर मारे हैं, बहन मारी है, उसके हस्बैंड मारे हैं, बोल के आज लड़की का ये हाल हो गया। लंग्स तो ऐसे ही डैमेज नहीं होगा, आज उसके यहाँ पर प्रेशर पड़ा है बोल के लंग्स डैमेज हो गया, मुंह से ब्लीडिंग हुआ है, हैंगिंग करने से तो मुंह से ब्लीडिंग नहीं होता है, दाग होगा गला में, दाग भी नहीं। किस दिन की घटना है ये? रविवार को रात की घटना है। तारीख क्या था? 11 तारीख 10 या 11 तारीख 10 तारीख नहीं, 11 तारीख। तो 11 तारीख को ये घटना घटी, आप लोगों को कब जानकारी मिली? 11 तारीख को रात के 11:30-12 बजे लगभग हम लोग को जानकारी हुआ ये बात। तो कहाँ से पहुँचे अब वहाँ पर? अब हम लोग क्या करेंगे, गाड़ी भाड़ा किए, उसके बाद गाड़ी लेके हम लोग गए कुछ बिहार, उन लोग बोले हम लोग वहाँ पर दिखाए हैं, वहाँ पर कुछ हुआ नहीं है। फिर कुछ बिहार निशान नर्सिंग होम में लेके आए, हम लोग वहाँ पहुँच के देखे लड़की का तो मुँह पूरा ब्लीडिंग लगा हुआ है, हैंगिंग का लग नहीं रहा है हम लोग को। ये क्या कंडीशन लग रहा था उस वक्त देख के, जीने मरने के? वो तो 90% मर चुकी थी उस टाइम, वो तो मर ही चुकी थी। अब उसको वेंटिलेशन में अगला उठाया है, वेंटिलेशन उठाने के बाद क्या होता है, सांस चलते रहता है। अब हम लोग रविवार को रात को रखे वहाँ पर, सोमवार को रखे, मंगलवार को रखे, बुधवार को सोचे लेके चले आएंगे, मंगलवार को लेके चले आएंगे, बस मंगलवार को कल राय सिलीगुड़ी लाते लाते आधे रास्ते में लड़की का देहांत हो गया। यानी कि लड़की का देहांत के घर पर नहीं? नहीं, घर पर नहीं हुआ, रास्ते में हुआ। 2-3 दिन का ट्रीटमेंट चला उसके दौरान? हाँ, उसके दौरान। क्या दोषी आप, क्यों दोषी मानते हैं उस परिवार को? तो क्यों नहीं दोषी मांगे, उनके पापा नहीं आए अभी भी, ना मम्मी आई, उस निशान नर्सिंग होम से लेकर अभी तक उन लोग का कोई घर से आदमी नहीं, एक मात्र एक लड़का आया है और उनका एक छोटी बच्ची है 1 साल 2 महीने की, उस बच्ची को उन लोग वहाँ पर पकड़ कर रखे हैं। हम लोग कल फ़ोन किए थे, हम लोग उल्टा में ठेठ कर रहे हैं उन लोग, तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग हम लोग को पहचान तो नहीं अभी तक।
अगर हम लोग पहुँच जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, तो हम लोग वही चाह रहे हैं उन लोग पहुँचे ना, उसमें देखा जाए क्या होता है। क्या क्या कुछ कहना चाहते हैं प्रशासन और बाकी जो न्यायिक? मैं सब आदमी को एक ही बात कह रहा हूँ, तो आज लड़की देके हम लोग गधा हो गए हैं, आगे चल के आप लोग पर भी ऐसा ना हो, इसलिए आप लोग कुछ बेहतर सुझाव कीजिएगा जो ऐसा परिस्थिति ना आए किसी का। आज मेरी भी लड़की है ना, आगे चल के मेरी लड़की को भी ऐसा हो, ऐसा तो हम नहीं चाहेंगे। सब आदमी सतर्क हो जा रहा। 3 सालों में उन पर जो परिवार के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, 3 सालों में उन परिवार के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी क्या आप लोगों को? नहीं, ये तो देखिए इस परिवार के विषय में एक्चुअली हम लोग कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं था। उन लोग रहते थे आसाम में। अब जब उनका पहला बमर्ताव का एक लड़का हुआ था, उन लोग घर में अपना कैसे का मैंने इतना मेंटली टॉर्चर करते थे लड़की को, जो उस दौरान वो अपने लड़का को ठीक से संभाल नहीं पाई, लड़का का देहांत हो गया। अब एक लड़की हुआ है, लड़की क्यों हुआ? उन लोगों का फिर चाहिए लड़का चाहिए, लड़की क्यों हुआ? मैंने एक लड़की हुआ है, लक्ष्मी आई है घर में, वो नहीं चाहिए, उन लोगों को लड़का चाहिए। इसके लिए और बेसिक टॉर्चर करना स्टार्ट किया, पैसा मांगना स्टार्ट किया, बोल क्या लड़की का ये हाल हो गया, हम लोग को छोड़ के वो चले। क्या नाम है लड़की का? दीपा सा। कितना उम्र का? 24 साल। उनका हस्बैंड का नाम? अजय सा, अजय सुनार ना, अजय सुनार। क्या नाम है, उम्र कितना होगा उनका? 28 लमसम होगा, 28-30 होगा लमसम ना। हाँ वैसे तो अभी फिलहाल आप लोग किस तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे, क्या कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं? देखिए मैं तो प्रशासनिक कार्रवाई करूंगा, यहाँ पर मैं इन लोग आए अपना सर्वे करें, अभी पोस्टमार्टम होगा, बॉडी हम लोग लेके जाएंगे, उसके बाद में बीरपाड़ा थाना में जाएंगे, नहीं तो गोसाईगांव थाना में जाएंगे, जाके वहाँ पर हम लोग अपना प्रदर्शन देंगे, देने के बाद देखा जाए क्या होता है। तो इन 3 सालों बीच में इतनी बार आप लोग, आप जैसे बता रहे कि कई तरह की दिक्कतें उस महिला के साथ हुई, वो एक दो कंप्लेन भी घर तक बताई होगी, उस बीच में आप लोगों ने क्यों नहीं कोई प्रशासनिक कदम उठाया? देखिए हम लोग चाहते थे जे बेहतर से सब कुछ हो, और हम लोग का खुद का समाज है, बैठे समझाए उन लोगों को बेहतर से, समाज अगर समझ के हो जाए तो ठीक रहता, हम लोग प्रशासनिक कार्रवाई नहीं करना चाहे, और एक बार समझाए समझ गए फिर दोबारा वही काम किए। दोबारा ये गलती ही आप लोगों की गलती हो गई? जी हाँ, यही गलती हम लोग की गलती हो गई, क्योंकि अक्सर इस तरह का गलतियाँ ही बड़ा रूप लेती है। वही आज यही चीज लोगों को समझ में नहीं आता, बस वही हम लोग गलती की अपना खुद बैठे, यही प्रशासनिक हिसाब से अगर करते तो शायद मेरी लड़की चाहती नहीं, वो रह जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े थे। तो यहाँ पर जो लड़की परिवार है उसके परिवारजन यहाँ पर जुड़े थे, क्या कुछ जानकारी उन्होंने दी आपने बिल्कुल सुना, और हम यही कहते हैं कि अक्सर जब भी घरेलू हिंसा होती है तो पहले बार में ही अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये घरेलू हिंसा छोटे से शुरू होती है और बड़े रूप लेती है, और एक अंत समय ऐसा आता है या तो घरेलू हिंसा में या तो उसके घर परिवार के कोई ना कोई सदस्यों का देहांत होता है या फिर खुद गृहवधू देहांत हो जाती है। ऐसे में आप सभी को हमेशा से ये ध्यान देना चाहिए, एक छोटी सी बात जब भी घरेलू हिंसा के रूप में लेती है, एक छोटा सा कदम जब भी उठता है, तो आप सभी को सावधान हो जाना चाहिए, और उस सावधानी के साथ आसपास के प्रशासन के साथ या आसपास के समाज के साथ मिलकर तो साथ साथ उन्हें एक जागरूकता के तौर पर लेकर आना चाहिए, और सटीक से सटीक और बड़े से बड़ा कदम उठाना चाहिए, ताकि आप दोबारा इस तरह की घटना को रोक सके। हमेशा अक्सर आप सभी घरेलू हिंसा के लिए लड़ते हैं, दो बातें बोलते हैं, आसपास को के लोगों को ज्ञान देते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाते हैं और एक बड़ी घटना रूप ले लेती है, और इसी तरह आप समाज और न्याय से आप अपना जो अधिकार है और जो न्याय है उसकी व्यवस्था लेने के लिए आप आवाज़ उठाते हैं। तो ये आवाज़ उस वक्त नहीं, ये आवाज़ उस वक्त उठाइए जब ये पहली बार होती है, और बिल्कुल कड़ी कार्रवाई के साथ इन सारे हिंसाओं को रोकने के लिए छोटी सी प्रयास करिए। फिलहाल इस तरह की कई एग्जाम्पल समाज में आते रहते हैं, घटनाएं रोकने का नाम नहीं लेती है, लगातार होती रहती है, कोशिश हमेशा रहता है इन सारी घटनाओं से बचा जाए, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, समाज है, समाज से गलती होती है, और ऐसी गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, जागरूकता करने की कोशिश करनी चाहिए। आप सभी का खबर आजकल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस घटना के संदर्भ में सिर्फ एक ही पक्ष से हमारी बात हुई है, दूसरे पक्ष से हमारा कोई बात नहीं हो पाया है। यहाँ पर हम दूसरे पक्ष से संपर्क करने की पूरी कोशिश करेंगे, जब उनसे संपर्क होता है तो उस पक्ष से क्या कुछ उनकी राय और उनका सोचना होगा या क्या कुछ इस घटना के बारे में बोलेंगे इसकी भी जानकारी हम स्पष्ट करेंगे। फिलहाल जब तक यह वीडियो हम दिखा रहे हैं, जब तक यह वीडियो हम आप सभी को बता रहे हैं, तब तक परिवार वाले से किसी भी तरह का कोई संपर्क हमसे नहीं हुआ है, लड़के परिवार वाले तक। आप सभी का खबर आजकल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।